अगर छगन भुजबल जी ने उनका इस्तीफा देवेंद्र फडणवीस के पास दिया होगा तो गैरकानूनी है। मुख्यमंत्री का इस्तीफा अगर किसी मंत्री को देना होता है मंत्री का, वो मुख्यमंत्री के पास जाता है। भुजबल जी ने इस्तीफा दिया है डिप्टी सीएम के पास, तो ये एक दूसरे के साथ मिलीभगत है, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश चल रही है। हम किसी के दुश्मन नहीं है, इस देश की राजनीति है। हम लोकतंत्र बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। प्रधानमंत्री बार बार महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप महाराष्ट्र को क्या लेकर आ रहे हो? जब यहां आते हो तो राज्य की जनता डर जाती है, मुंबई के लोग डरते हैं, अब यहां से क्या खींच कर लेके जाएंगे? लगभग पूरी मुंबई की लूट हो गई है, पूरी लूट गुजरात में जा रही है, एक राज्य में जा रही है, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, पूरे देश से जो भी मिल सकता है लूट में वो पूरा एक राज्य में जा रहा है। तो अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं महाराष्ट्र में आ रहा हूं तो लोग डर जाते हैं। अगर छगन भुजबल जी ने उनका इस्तीफा देवेंद्र फडणवीस के पास दिया होगा तो गैरकानूनी है। मुख्यमंत्री का इस्तीफा अगर किसी मंत्री को देना होता है मंत्री का, वो मुख्यमंत्री के पास जाता है। भुजबल जी ने इस्तीफा दिया है डिप्टी सीएम के पास, तो ये एक दूसरे के साथ मिलीभगत है, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश चल रही है। हम किसी के दुश्मन नहीं है, इस देश की राजनीति है। हम लोकतंत्र बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। प्रधानमंत्री बार बार महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप महाराष्ट्र को क्या लेकर आ रहे हो? जब यहां आते हो तो राज्य की जनता डर जाती है, मुंबई के लोग डरते हैं, अब यहां से क्या खींच कर लेके जाएंगे? लगभग पूरी मुंबई की लूट हो गई है, पूरी लूट गुजरात में जा रही है, एक राज्य में जा रही है, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, पूरे देश से जो भी मिल सकता है लूट में वो पूरा एक राज्य में जा रहा है। तो अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं महाराष्ट्र में आ रहा हूं तो लोग डर जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।